नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। और चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बहुचर्चित टूलकिट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 भाजपा नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया ट्रेंडिंग करने को कहा है। साथ ही कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध रिपीट सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं, साथ ही इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि राज्य में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच SIT से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 7 जून को होगी। देश पर तूफान ताऊते के बाद अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकरा सकता है। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF ने कई इलाके सोमवार को ही खाली करवा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, यानी होम आइसोलेशन की सहूलियत को खत्म कर दिया गया है। दरअसल सरकार को जानकारी मिल रही थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के कारण कई जगह पर कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद कर दी गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ FIR का मुद्दा गर्मा गया है, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में धार महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी ने सीएम हाउस के सामने जमकर हंगामा किया और सीएम शिवराज को चूड़ियां भेंट करने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने विजेता त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विजेता अकेले ही सीएम हाउस पहुंची थी, जिसके बाद विजेता त्रिवेदी को श्यामला हिल्स थाने में ले जाया गया। वहीं आसिफ जखी ने विजेता त्रिवेदी की जमानत करवा दी है। हमें हक है अपनी बात पूछने का। बुलाइए शिवराज सिंह चौहान को, मुझे टाइम दे, मैं बात करना चाहती हूँ। अरे CSP मैडम को बुलाइए। भैया ये आपकी क्या है, आप एक तरह बोलते हैं कोरोना में, आप दूरियां बना के रखिए, प्लीज दूरियां बनाइए, प्लीज दूरियां बनाइए। प्रोटोकॉल सभी के लिए होता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल में कोरोना की स्थिति पर कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, सागर, नीमच में संक्रमण बेहद कम हो गया है। आने वाले समय में प्रदेश में धीरे धीरे कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। वहीं मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं और राहुल गांधी से भी उनके संबंध ठीक नहीं है। इस दौरान गृहमंत्री ने यह भी कहा कि वैक्सीन को लेकर कमलनाथ अपने बयानों में लोगों में भय फैला रहे हैं, वैक्सीन को लेकर लगातार विपक्षी नेता भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही गृहमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से भी अपील की है कि वैक्सीनेशन टीम पर हमला ना करें और सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। आज 4,222 नए प्रकरण कुल प्रदेश में आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, और ठीक होकर जाने वाले 7,873 लोग हैं। तिगुनी स्थिति अब हमारी हो गई है। संक्रमण दर 3.39% अब रह गई है और रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 92.6 पहुंच गई है।
वैक्सीन आई उस दिन से आप देखिए, इन 21 दलों के गठबंधन, ये फूके बल्ब की जो झालर है, पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे, क्या था ये? और वहां से ये सफर यहां तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें, वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल की हार के सदमे से उभर नहीं पाए हैं, ना ही उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ मिला और ना ही मध्य प्रदेश में कुछ मिला, यहां तक कि भाजपा के शीर्ष नेता नेताओं से भी अलग थलग पड़ गए हैं। कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं, वो मध्य प्रदेश नहीं भारत नहीं विश्व के वैश्विक नेता हैं, वो केवल मूल मुद्दों को उठाते हैं। आंकड़ों की कालाबाजारी क्यों हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों मौत हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले लोगों में किस मंत्री के परिवार पर कार्यवाही की गई, इन मुद्दों पर बयान देने के बजाय दूसरी बातों पर ध्यान देते, मुझे लगता है कि वो अपना काम भूल चुके हैं, उन्हें सलाह देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कैलाश जी जब पहली बार सरकार पहली बार कोरोना आ रहा था तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त है, जब दूसरी बार कोरोना आ रहा था तो बंगाल में दीदी और ये इधर उधर चिल्लाने में व्यस्त है, और अब मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी नींद खुली है तो अब चाइना चिल्लाने में व्यस्त है। क्यों, मेरा सवाल है कैलाश जी से कि ये मौतें किसके कारण हुई, कहां से आया सवाल नहीं है, हिंदुस्तान के लाखों लोगों की मौतें और हत्या क्यों हुई, क्यों ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे, क्यों गंगा किनारे लोगों के शव इस प्रकार से पड़े, क्यों गंगा में बहते शव देखे, और जिस प्रकार की गलत नीति सरकार ने अपनाई, ना हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करी ना बेड की व्यवस्था करी, और जो पीएम केयर में फंड जनता ने दिया उसमें भी लूट करी, चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया में उसके वेंटिलेटर देख लो या गुजरात में देख लो या पंजाब में, और इधर उधर की बात की जगह जनता की जान बचाए, उन्हें राहत प्रदान करें, उन्हें दवाइयां प्रदान करने का काम करें। खबर भारत की प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।